दोस्तों, ये हमारे हैदराबाद के पुराने साथी नफे सिंह। और मैं बताऊं तो जितना भी हैदराबाद में वीडियोज वगैरह का काम हुआ है या फिर आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है, करीब मैं बात करूं फरवरी मार्च के टाइम में, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है। हर महीने तकरीबन 300 से 350 ट्रकों का प्लेसिंग करते हैं हैदराबाद में ये, और अच्छा खासा ट्रकों के साथ इनका रिलेशन रहा है, ट्रक इंडस्ट्री में इनका रिलेशन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने मित्र का, जो कि इतना हम लोगों का सहयोग किए हैं ट्रांसपोर्ट गुरुजी चैनल के लिए। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं इनसे आप लोगों का जरूर परिचय कराऊंगा आमने सामने कैमरे के साथ, तो वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों, आज हैदराबाद का तीसरे पार्ट का वीडियो है और आज हमारे साथ फिर से एक ट्रांसपोर्ट सर बैठे हुए हैं। बात करेंगे हम इनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में पहले काम कर चुके हैं, आज के डेट में इनका बिजनेस है हैदराबाद के अंदर और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है। तो सर का हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। नमस्कार सर जी, आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सर एक चीज़ बताइए, आप इस इंडस्ट्री में हैं कितने साल से? 18 साल से। और हैदराबाद में रहते हुए आपने कितने ट्रकों को आपने मैनेज किया है? मैंने हैदराबाद में रहते हुए मंथली 250 ट्रक किया है। 250। ओके, तो आज के डेट में मैं बात करता हूँ, आज आपका बिजनेस है खुद का। ओके, एक्सपीरियंस के हिसाब से बिजनेस, मतलब जब आप जॉब कर रहे थे उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आज के डेट में जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर क्या लग सकते हो सकता है आपके लिए? बेटर अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस। ओके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का आता है कि बिजनेस जो है ट्रकिंग इंडस्ट्री का बिजनेस आज के डेट में बर्बाद हो चुका है, तो इसलिए मैं समझना चाह रहा था कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर है। नहीं, ऐसा कोई बिगड़ा हुआ नहीं, वो तो अपने ऊपर है कि हम कैसा काम करते हैं। ओके, देखो अब महंगाई, और मतलब एक तो महंगाई होती है, महंगाई डीजल की वजह से बढ़ती जा रही है। अब हर आदमी सोचता है कि मैं ही मार्जिन कमा लूं। पहले मार्जिन 15% होता था बुकिंग में, अब आ रहा है 10% 5% पे, तो मार्जिन घट गया है। बाकी कोई बर्बादी की हुई कुछ नहीं है, सब सेम काम चल रहा है, वही पहले चल रहा था वही आज चल रहा है। ओके, तो आपका सर ट्रांसपोर्ट का क्या नाम है? मेरे ट्रांसपोर्ट का नाम तन्वी लॉजिस्टिक। और किधर के लिए आप किस तरह के ट्रकों का सप्लाई करते हैं? मैं ओनली 32 फीट सिंगल एक्सल, ऑल ओवर इंडिया, ओनली फॉर 32 फीट सिंगल एक्सल। ये हैदराबाद से ही देते हैं या फिर और भी हैदराबाद के नियर बाई भी कहीं से देते हैं? नियर बाई मैं चेन्नई से और बेंगलोर से और हैदराबाद से, तीन जगह से देता हूँ। अच्छा, चेन्नई से भी आप सप्लाई करते हैं और बेंगलोर से भी? मेरी खुद की ओन गाड़ियाँ हैं 8 गाड़ी। अच्छा, उन गाड़ियों को मैं हैदराबाद से विजयवाड़ा, चेन्नई और बेंगलोर ही भेजता हूँ, तो वहाँ से रिटर्न में भी मेरा लोड लेके आती हुई गाड़ियाँ। ओके, तो सर एक चीज़ बताइए, किस तरह का जो गाड़ी है आपका, कौन से कंपनी का गाड़ी है ये? मेरा अशोक लेलैंड। एक्सपीरियंस कैसा है इसका? अच्छा है सर, बढ़िया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि टाटा की गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बेटर है। देखो, टाटा की गाड़ियाँ क्या है, उसका थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा रहता है वजन। अच्छा। जैसे अभी अपन, पहले कैपेसिटी था 60 टन का, अभी तो कंपनियों ने 9 टन का कैपेसिटी दे दिया है। ओके। अभी लीलैंड है ये, जो मेरे पास है 2016 मॉडल का गाड़ी है, तो थोड़ा सा ये जो अभी 06 05 ये जो आ गया ना, उसमें आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन हमारी जो पुराना गाड़ियाँ है वो बहुत ही अच्छी है नई गाड़ियों के बेटर में। अच्छा सर, एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं, एज ए ट्रकिंग ट्रक ओनर कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एज ए ट्रक ओनर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा सर मुझे समझना है, जो बाकी लोगों को पेन है, खास करके ट्रक ओनर्स को, जो इस इंडस्ट्री में मैं देखा हूँ, आप इतने साल किए भी है तो आपको भी सुनने में ये चीज़ आता होगा कि रेट और फ्रेट और एक्सपेंस, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। मार्जिन नहीं है साहब, और पेन क्यों आ रहा है? पेन इसलिए आ रहा है, अभी जैसा एक तरफ भाड़ा हो जाता है, अभी जैसे दीपावली गया है तो नॉर्थ से भाड़े बढ़ जाएंगे। अच्छा, सॉरी, साउथ से भाड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूरी गाड़ियां नॉर्थ में जाके खड़ी होगी। कभी भी पेन किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम एक जगह ज़्यादा हो रहा है, एक जगह डाउन हो रहा है। अच्छा, तो जहाँ डाउन हो रहा है वहीं पे भाड़ा वही मिल रहा है, मोटर मालिक को तो वही भाड़ा मिल रहा है गाड़ी मालिक को, क्योंकि हैदराबाद से सपोज करो बॉम्बे भेजते हैं तो 17,000-18,000 रुपये में गाड़ी जाती है। बॉम्बे से वही गाड़ी लास्ट दीपावली पे 52,000 रुपये में आ रही थी। अच्छा, अब बॉम्बे, अब यहाँ से वही 16 पे आ जाएगी, बॉम्बे से 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा।
तो बात मतलब घुमा फिरा के बात वहीं आती है। इसके लिए मार्जिन नहीं मिल रहा है मोटर मालिकों को, वही प्रॉब्लम आ रहा है। पेन है क्योंकि दोनों तरफ से मार्जिन रहे तभी मोटर मालिक को 2 रुपए का फायदा होता है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये समझना था बिजनेस के बारे में कि अगर कोई ट्रक ओनर है या फिर हम मान लेते कोई कमीशन एजेंट है, दो तरह के जो एंटिटी है जो कि लॉजिस्टिक को हम छोड़ दे तो मार्केट में अच्छे खासे हैं, तो इनको बिजनेस कहाँ से मिल सकता है और बिजनेस लेने के लिए कर क्या सकते हैं ये? नहीं, जैसे ब्रोकर को, कमीशन एजेंट है उसको, और एक ट्रक मालिक को। अब ट्रक मालिक, अभी जैसे ट्रक मालिक तो ब्रोकर हो कमीशन एजेंट के पास ही आएगा, और कमीशन एजेंट जैसे अभी ग्लोसविंग ही है हम लोगों के पास में, हम लोग ग्लोसविंग को ही ट्रैक करते हैं, भैया तेरे पास यहाँ से माल है क्या। अच्छा। जैसे आजकल जो अपना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आया है, जब से ऐप आया है, ऐप आने के बाद में बहुत से मोटर मालिक डायरेक्ट भी जुड़ गए। अच्छा। ग्लोसविंग है या और दूसरे ट्रांसपोर्टर उनके साथ में जुड़े हैं, तो बेटर तो हमारे पास ही, मतलब जो भी है कमीशन एजेंट के पास ही आएगा फर्स्ट, तो मोटर मालिक, सिंगल मोटर मालिक कमीशन एजेंट के पास आ रहा है, जो बड़ा मोटर मालिक है वो डायरेक्ट भी भर रहा है, जैसे ग्लोसविंग के साथ में भर रहा है या किसी के साथ में। अच्छा। एक मोटर मालिक जो है, जो कि आज हम मानते हैं कि आज मैंने ट्रक कोई ख़रीदा नया, और मुझे किसी कमीशन एजेंट के पास अपने इस ट्रक को अटैच कराना है ताकि वो मेरे ट्रक को चला सके, तो इसके लिए हम उस कमीशन एजेंट को कैसे खोजें सबसे पहला, और अटैच करने के लिए क्या कर सकते हैं उनके साथ? देखो, ये तो एक रिलेशनशिप में ही खोजना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आजकल बहुत सी अलग अलग तरह के लोग भी है, चाहे वो कमीशन एजेंट है चाहे वो बुकिंग वाले भी है, सब अपने, अभी हम फर्स्ट में रिलेशनशिप देखना कि सामने वाला कोई भी आदमी, अभी आप आए हैं तो आपने देखा है अभी चलो हम तन्वी में जाएंगे, अब तन्वी वाले का रिलेशनशिप कैसा है मार्केट में, उसके हिसाब से ही मोटर मालिक को देखना चाहिए सामने वाला कोई भी है, चाहे बेंगलोर में है या वो दिल्ली में है, मतलब हम किस कमीशन एजेंट से भर रहे हैं गाड़ी, फर्स्ट वो देखना। अभी कोई भी आता है या मुझसे भर लिए तो बाद में एडवांस और बैलेंस का प्रॉब्लम आता है, तो उसका किसी न किसी का रेफरेंस लेके भरना चाहिए। कोई भी काम करना, अटैच करनी है गाड़ी या वन टाइम के लिए कहीं भाड़ा चाहिए दिल्ली से हैदराबाद या दिल्ली से चेन्नई, तो फर्स्ट किसी न किसी का रेफरेंस होना जरूरी है उसमें। रेफरेंस में सिक्योरिटी जो है थोड़ा बढ़ जाता है, सिक्योरिटी फुल बढ़ जाता है। सिक्योरिटी क्या होता है, जिससे भी हम रेफरेंस लेंगे वो उसको जानता मिलेगा, उसमें मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फायदा होता है सिक्योरिटी का। अभी हम ऐसे न्यू टाइम पे कोई भी बेंगलोर में जाके बोल दिया गाड़ी भर के भेज दो, तो बाद में हो सकता है एडवांस तो हम जब तक लोड ले लेंगे लेकिन वो बैलेंस का तो नहीं प्रॉब्लम है ना। अच्छा। तो इसके लिए क्या रेफरेंस ज़रूरी है जिसमें हमारे को सिक्योरिटी मिल जाती है। ओके, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। थोड़ा सा समझना था मुझे, जो आपके कमीशन एजेंट्स टाइप के होते हैं या फिर ट्रक ऑनर होते हैं, बहुत सारे मटेरियल को ले जाने के लिए वो लोग मना कर देते हैं। मतलब जनरली जब कोई ट्रक वाला मतलब किसी के पास लोड है और वो किसी को फ़ोन करता है कि यहाँ से यहाँ के लिए गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले क्या पूछता है कि मटेरियल क्या है। और बहुत सारे मटेरियल में पता चलता है कि वो ले जाने से मना कर देते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, बहुत से मटेरियल में नहीं करता, जैसे टायर है, बहुत से ड्राइवर टायर नहीं भरते। ओके। क्योंकि एक कॉस्टली मटेरियल है। बहुत से ड्राइवर क्या है, कोई भी वजन 60 टन भर, जैसे 32 फीट सिंगल एक्सल गाड़ी है, अब वो ड्राइवर पूछेगा, मोटर मालिक तो बोल देता है ठीक है ये ड्राइवर है भर लो, लेकिन ड्राइवर सबसे पहले पूछता है माल क्या है। अगर हल्का माल है तो ड्राइवर को 2 रुपये का डीजल बचता है, अभी हैदराबाद से दिल्ली गाड़ी गया 1800 किलोमीटर गाड़ी जाएगी तो कम से कम 50 लीटर तेल छोड़ देती है। बिल्कुल। तो अब ड्राइवर पूछता है, ड्राइवर बोलता है मोटर मालिक को नहीं मैं ये 60 टन का लोड है मैं नहीं भरूंगा। अच्छा। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, टायर का एक रीज़न है क्योंकि वो सबको मालूम है थोड़ा कॉस्टली माल है, कोई भी कॉस्टली माल को भरने में ड्राइवर थोड़ी सी, जो बढ़िया ड्राइवर हो इसका चार्ट करता है। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी वगैरह भी उसमें थोड़ा सा, उसको खुद को सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, रस्ते में कितना टाइम गाड़ी चलानी है, कौन से टाइम पर गाड़ी चलाऊँ, और ऐसा कोई भी माल भर लिया तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं है, डे और नाइट वो गाड़ी चला सकता है। अभी टायर भर लिया या LED भर लिया, ऐसा कोई भी कॉस्टली माल भरता है तो ड्राइवर को बाकायदा 300 या 400 किलोमीटर चलने के बाद नाइट में स्टॉपेज करना पड़ता है। और ड्राइवर आजकल क्या कर रहे हैं, नहीं अभी मैं यहाँ से चल गया तो दिल्ली तक मैं नहीं रुकूंगा। अच्छा। तो कॉस्टली माल भरने के बाद उसको स्टॉप करना पड़ता है, अगर कॉस्टली माल नहीं है तो वो फिर कंटिन्यू चल पड़ता है। इसलिए बार बार पूछते हैं सब माल क्या है। इतने साल से सर आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद से 2 रूट आपको ये बताइए जो सबसे बेस्ट है किसी भी ट्रांसपोर्टर के लिए बिजनेस के लिए। हैदराबाद से हाँ 2 बेस्ट रूट,
दो बेस्ट रूट हैदराबाद से बॉम्बे और हैदराबाद से बेंगलोर या चेन्नई में से एक, मतलब तीन रूट है सभी हैदराबाद से बेस्ट, जो मोटर मालिक के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, क्योंकि छोटे रूट है वो दोनों। अच्छा। छोटे रूट है, हैदराबाद से बॉम्बे, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई। अच्छा, इस तीनों के तीनों जो ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। हाँ, छोटे रूट है, जो दो पैसे का मार्जिन भी आता है मोटर मालिक को भी, ये बेटर है। अच्छा, एक सर आपके तरफ से मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर बिजनेस करना है तो सबसे ज़्यादा उनको जरूरी किन चीज़ों को देखना होगा जिससे कि वो बिजनेस कर सके। बिजनेस अभी स्पोर्ट्स को, जैसे अभी हमारे को करना है, वो एक कमीशन एजेंट को बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसको मोटर मालिक को देखना है, उसका टाइम पे एडवांस, टाइम पे बैलेंस। उसके बाद में कोई भी कंपनी को, हम जिसको भी बुकिंग कंपनी को बात करते हैं, उसके साथ में अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ से भी अच्छा हमारे को पैसा मिले, दो पैसा। बिल्कुल, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा आदमी, तब जाकर के सही, तब जाकर के हमारा आगे बिजनेस डेवलपमेंट होएगा। ओके, आज के डेट में सर आपने कितना बताया आपके पास कितने ट्रक हैं? आठ। आठ। ओके, सिंगल एक्सल। सिंगल एक्सल ओनली, 32 फीट सिंगल एक्सल। ये इसकी पासिंग कौन सी है? टीएस पासिंग, तेलंगाना पासिंग। तेलंगाना की पासिंग, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों सुन रहे थे, आज सर थे हमारे साथ, हैदराबाद से इनका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है। पहले जॉब भी इन्होंने किया है, अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब किया है इन्होंने, और उस कंपनी को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सारे लोग भी उनको जानते होंगे, कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, सॉरी। तो सर को करते हैं आज विदा, थैंक यू सर टाइम देने के लिए आज हमारे साथ। ऐसे लोगों के साथ वीडियो बना करके सच में कुछ एक नया अलग तरह का फीलिंग आता है, अलग एक जानकारी मिलता है, जो कि जानकारी शायद से मुझे और कहीं ज़्यादा खोजने पे नहीं मिल सकता है। और विश्वास कीजिए कि आपको हमारे चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलता रहेगा, जिससे कि आपका बिजनेस और आपका लाइफस्टाइल, आपका जॉब सिक्योर हो सके और कुछ बेटर हो सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डील के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।